आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस को बड़ा झटका, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में शामिल हुए, सिंधिया बीजेपी से जाएंगे राज्यसभा। एमपी में सियासी संग्राम, कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर पहुंचाया तो बीजेपी विधायक पहुंचे मानेसर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने से शिवराज सिंह प्रसन्न, कहा मध्य प्रदेश अब और मजबूत होगा। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना, गांधी को मारने वाली पिस्तौल भी ग्वालियर की। और दल बंधु विधायक नारायण त्रिपाठी का बयान, मैं बीजेपी में हूं और बीजेपी के साथ रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सियासी उठापटक का एक अध्याय आज पूरा हुआ। होली के दिन कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कांग्रेसी दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने पार्टी की सदस्यता ली है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस छोड़ते वक्त दुखी भी हूँ और व्यथित भी हूँ। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से राज्यसभा जाएंगे। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होते ही धुंधली तस्वीरें अब साफ होने लगी है। और एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि कमलनाथ सरकार बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के महाराज बनकर उभरे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सबक सिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ले ली है। कांग्रेस में कभी राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होली के दिन कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के 22 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज सकती है। 3:05 पर बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्रिया, उन्होंने अपने परिवार में स्थान दिया। सिंधिया बोले कि मेरे जीवन में 2 तारीख काफी अहम रही हैं। इनमें पहला 30 सितंबर 2001 जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, वो जिंदगी बदलने वाला दिन है। और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020 को जहां जीवन में एक बड़ा निर्णय मैंने लिया है। सिंधिया बोले कि आज मन व्यथित है और दुखी भी हूं। जो कांग्रेस पार्टी पहले थी वो आज नहीं रही। उसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला कि वास्तविकता से इनकार करना, नई विचारधारा और नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। 2018 में जब एमपी में सरकार बनी तो एक सपना था, लेकिन वो बिखर चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस में रहकर जनसेवा नहीं की जा सकती। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि आज मध्य प्रदेश में ट्रांसफर माफिया का उद्योग चल रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुझे एक नया मंच देने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा ने इस दौरान कहा कि राजमाता सिंधिया जी ने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी स्थापना की और
विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। आज उनके पौत्र हमारी पार्टी में आए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार के सदस्य हैं, ऐसे में हम उनका स्वागत करते हैं। अब आगे की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी? कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और हर्ष चौहान को राज्यसभा के लिए भेजा जा सकता है। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है और आज मैं याद कर रहा हूं हमारी वरिष्ठतम नेता स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, जो भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों की स्थापना और स्थापना से लेकर विचारधारा को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान राजमाता सिंधिया जी का रहा है हमारी पार्टी को और हमारी विचारधारा को बढ़ाने में। ज्योतिरादित्य जी का आना, इनके अपने अपना स्थान और अपना नेतृत्व और अपनी नेतृत्व की प्रखरता, उन सबसे हम वाकिफ हैं, लेकिन हमारे लिए आना इनका इस विचारधारा में, हम मानते हैं कि ये परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में वो शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में विधायकों को शिफ्ट करना अब पार्टियों की मजबूरी बनती जा रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने विधायकों को बस में भरकर एयरपोर्ट पहुंचाया है, तो वहीं कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर पहुंचा दिया है। बीजेपी ने पहले विधायक दल की बैठक की और फिर दो बसों में भरकर अपने विधायकों को एयरपोर्ट पहुंचाया और सारे विधायक विमान से हरियाणा के मानेसर पहुंचा दिए गए। जिस रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुके हुए हैं, वहां पर हरियाणा सीआईडी को तैनात किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 106 विधायकों को हरियाणा के मानेसर में पहुंचाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता जयपुर पहुंचा दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से जयपुर में एक रिजॉर्ट बुक किया गया था जहां सभी विधायक रुके हुए हैं। जयपुर में इन कांग्रेस विधायकों को ब्यूना विस्तार रिजॉर्ट में रखा गया है। कांग्रेस की ओर से जहां रिजॉर्ट के 42 कमरों को बुक किया गया था, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने दावा किया है कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सभी विधायक मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं। हम विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे और 2023 तक सरकार बनाएंगे। इसी बीच निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने पहुंचे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया है, इसमें सभी विधायकों के एक होने का दावा किया गया है। ट्वीट में लिखा गया है कि पूरी कांग्रेस एक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार पूरी तरह से एकजुट और सुरक्षित है। बीजेपी की फूट डालो राज करो की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारे सभी विधायक प्रदेश की जनता के प्रति जवाबदारी, अपना फर्ज और नैतिकता समझते हैं। कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह ने भी दावा किया है कि कमलनाथ सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। आप 16 मार्च तक देखिएगा, विधायकों की संख्या बिल्कुल ठीक रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजा महाराजाओं के दिन गए। लेकिन आपको यहां बता दें कि जिन सिंधिया समर्थक विधायकों के कमलनाथ के टच में होने की बात कही जा रही है, उन्होंने अपना मैसेज वीडियो जारी करके साफ कर दिया है कि वे सिंधिया के साथ थे, हैं और रहेंगे, कमलनाथ का साथ नहीं देंगे। बिल्कुल सुनवाई नहीं थी, हम सबसे ज्यादा परेशान थे उस पार्टी में रह कर, जिस पार्टी से आज हम त्याग पत्र देकर श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ खड़े हुए यहाँ अपने मन से आए और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं। उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं। परम सत्य ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो निर्णय लिया है, वो किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी में जाएंगे तो यहाँ 22 के 22 विधायक सब एक साथ हैं और सब स्वेच्छा से आए हैं, किसी के दबाव में नहीं है, कोई किसी के संपर्क में। सिंधिया जी जो निर्णय करेंगे उनके हर निर्णय में पूरे 22 विधायक उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। नेता ज्योतिराज सिंधिया के साथ था, आज भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ हूँ, आगे भी ज्योतिराज सिंधिया जी के साथ रहूंगा। निर्णय कर चुके हैं, जिस व्यक्ति की मेहनत से मध्य प्रदेश में सरकार बनी, आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मेहनत से, हम सब उसके साथ हैं। जिनके आशीर्वाद से 3 बार मुझे टिकट मिला, हमारा नैतिक दायित्व है कि हम हर फैसले में सिंधिया जी साथ रहें। सिंधिया जी जो भी निर्णय करेंगे उस निर्णय में हम सब उनके साथ हैं। हम अपनी स्वेच्छा से
सिंधिया जी के साथ हैं तो सिंधिया जी के साथ रहेंगे, जहां वो हैं वहीं हम रहेंगे। हम श्रीमंत के साथ थे, हैं, रहेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं है, अपनी मर्जी से आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया जी की बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनी। उन्होंने दिनों रात मेहनत करी और हम जैसे लोगों को उन्होंने चुनाव में खड़ा किया और चुनाव भी जिताया, और आम जनमानस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पीड़ा थी कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए। जो महाराज ने डिसीजन लिया है, मैं महाराज साथ के साथ हूँ, मैंने अपनी स्वेच्छा के साथ ये इस्तीफा दिया है और मैं हमेशा महाराज के साथ रहूंगा। हम लोग सब सिंधिया जी के साथ हैं, महाराज के साथ हैं, और महाराज ने जो निर्णय लिया है वो जनहित में लिया है, जन भावनाओं के प्रतीक लिया है। निश्चित रूप से पूरी ताकत से हम लोग महाराज के साथ हैं, जो निर्णय महाराज ने लिया है उसका हम स्वागत करते हैं, पूरी ताकत से साथ देंगे। कमलनाथ सरकार गई बचेगी नहीं, सिंधिया जी के साथ में जो अन्याय उन्होंने किया है, जो एक सवा साल में उन्होंने सिंधिया जी के हाइट को कम करने की कोशिश की है, जो कुप्रयास उन्होंने किया है, उसका नतीजा है ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फेलुअर का नतीजा है। महाराज मेरे नेता हैं और मैं उनके ही उनके कहने से नहीं, मैं अपनी स्वेच्छा से यहाँ तक आई हूँ। महाराज जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाने को तैयार हूँ। कमलनाथ का डर साफ नजर आ रहा है, खतरे में कमलनाथ की सरकार है हर कोई कह रहा है। 22 विधायकों के इस्तीफे के साथ ही कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कमलनाथ की ओर से दावा किया जा रहा है कि वो अभी भी बहुमत हासिल कर लेंगे। इस बीच बचे हुए जो विधायक हैं, कांग्रेस उन्हें अब जयपुर पहुंचा चुकी है। विधायकों के इस्तीफे के बाद विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा भी गिरकर 104 पहुंच गया है। 22 इस्तीफों के बाद कांग्रेस की संख्या 114 से 52 हो गई है। हालांकि मंगलवार शाम कमलनाथ की बैठक में कांग्रेस के 52 की बजाय 88 विधायक ही पहुंचे थे, लेकिन अब तक सपा बसपा और निर्दलियों की मदद से कांग्रेस के पास 99 विधायकों का समर्थन हासिल है। अब विधानसभा में कुल संख्या 206 की है, बहुमत के लिए आंकड़ा 104 चाहिए। कांग्रेस गठबंधन के पास आंकड़ा 99 का है, बीजेपी के पास आंकड़ा 107 का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बीजेपी और मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। राजमाता सिंधिया का भारतीय जनसंघ में अतुलनीय योगदान रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में स्वागत है, सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश और मजबूत होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ज्योतिरादित्य का भाजपा में हृदय से स्वागत है, हम साथ मिलकर काम करेंगे और मध्य प्रदेश मजबूत होगा। शिवराज ने कहा कि आज का दिन बीजेपी के लिए और मेरे लिए प्रसन्नता का दिन है। आज मुझे राजमाता की याद आ रही है, वे बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की मां थी। भारतीय जनसंघ को स्थापित करने में राजमाता का अतुलनीय योगदान रहा है। राजमाता ने राजनीति को जनता की सेवा का माध्यम माना। आज मुझे श्रद्धेय राजमाता जी की याद आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लाखों लाख बेटे बेटियों की मां थी। बचपन से उनका स्नेह और प्यार हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मिलता था। वो स्नेह, आत्मीयता और प्रेम की प्रतिमूर्ति थी और भारतीय जनसंघ के काम को देश विशेषकर मध्य प्रदेश में स्थापित करने में उनका अतुलनीय योगदान था। आज उनके पोते श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ सरकार ने प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। बीजेपी की सारी जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं। सरकार ने अपने कोई वचन नहीं निभाए हैं। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया है, वादे नहीं निभाए, वचन तोड़ दिए गए।
और प्रदेश में ऐसी लूट का उदाहरण आज तक कभी देखने में नहीं आया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरएसएस और भाजपा पर ट्वीट के जरिए निशाना साध रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर कहा कि महात्मा गांधी को मारने के लिए नाथूराम गोडसे ने जिस रिवाल्वर का इस्तेमाल किया उसे ग्वालियर के परचूरे ने ही उसे दी थी। परचूरे कौन था इस बारे में थोड़ा और रिसर्च करने की जरूरत है। दिग्विजय ने ट्वीट में कहा जिस परचूरे का नाम लिया है उनका पूरा नाम डॉक्टर डी एस परचूरे था, वो ग्वालियर में एक हिंदू संगठन के प्रमुख थे। गांधी जी के हत्यारे को पिस्टल ग्वालियर के परचूरे से मिली थी। दिग्विजय सिंह ने यह ट्वीट कर सिंधिया परिवार पर निशाना साधने की कोशिश की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर परचूरे ने अपने एक परिचित के जरिए पिस्टल का सौदा नाथूराम गोडसे से करवाया था और राम मंदिर के पास 500 रुपए में पिस्टल उपलब्ध करवाई थी। इसके बाद उसने स्वर्ण रेखा नदी के किनारे 10 दिनों तक फायरिंग की प्रैक्टिस भी की। इसके बाद वो महात्मा गांधी को मारने के लिए दिल्ली रवाना हो गया। उस दौरान सिंधिया रियासत में बंदूक या पिस्टल खरीदने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी, इसीलिए गोडसे ने ग्वालियर को ही चुना था। विदेशी पिस्टल ग्वालियर कैसे पहुंची इसकी भी एक रोचक कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंधिया की सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वीवी जोशी के साथ सैनिकों को अभी सीनिया में तैनात किया गया था। इस दौरान मुसोलिनी की सेना ने इसके सामने सरेंडर किया था। हथियारों में उन्होंने एक 9mm की बरेटा पिस्टल भी थी। यही पिस्टल सिंधिया की सेना के कमांडर जोशी अपने साथ ग्वालियर ले आए थे। इसके बाद ग्वालियर के ही जगदीश गोयल ने कमांडर जोशी के परिवार से पिस्टल को खरीद लिया था। फिर कुछ समय बाद उसने यह नाथूराम गोडसे को बेच दी थी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधायकों को मध्य प्रदेश से बाहर ले जाने को लेकर कहा कि उनके विधायकों को कांग्रेस से खतरा है, इसलिए उन्हें बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अपने विधायकों को क्यों शिफ्ट कर रही है, यह कांग्रेस से ही पूछना चाहिए। भाजपा विधायकों को बाहर ले जाने को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम तो विपक्ष में हैं। हमारे विधायक कई बार हमसे बोल चुके हैं कि कांग्रेस के लोगों से हमारी जान को खतरा है। संजय पाठक के घर पर तोड़फोड़ करने के लिए सरकार ने कई मशीनें भेज दी हैं। अमानवीय अत्याचार करने पर जब सरकार उतरती है तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित जगह तो सोचनी ही चाहिए, इसीलिए उन्हें शिफ्ट किया गया है। विधायक संजय पाठक ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। भाजपा के विधायक तो वैसे ही अनुशासित विधायक हैं। फ्लोर टेस्ट को लेकर नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में भगदड़ मची है, इसीलिए इसको रोकने के लिए कोशिश की जाएगी। नरोत्तम ने कांग्रेस विधायकों को शिफ्ट किए जाने को लेकर कहा कि यह कांग्रेस से पूछना चाहिए कि वे अपने विधायक क्यों शिफ्ट कर रहे हैं। सोचे कांग्रेस के लोग के वो शिफ्ट क्यों कर रहे हैं और उनके शिफ्ट क्यों हो रहे हैं। हम तो विपक्ष में हैं और विपक्ष के ऊपर हमारे विधायक कह चुके कि हमारी जान को खतरा है। हमारे विधायक अभी आप जब मुझसे बात कर रहे हो इस वक्त संजय पाठक जी के रिसोर्ट पर तोड़ने के लिए इन्होंने मशीनें भेज दी। अमानवीय अत्याचार करने पर जब सरकार उतरती है तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित जगह तो सोचनी भी चाहिए। दल बदलू नेता के रूप में पहचान बना चुके मैहर से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा है कि वे बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ रहेंगे, उनका पूरा समर्थन भाजपा के साथ है। फ्लोर टेस्ट में भाजपा के खिलाफ वोटिंग कर चर्चा में आए मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने कहा कि उनकी माता का देहांत होने के कारण भाजपा की मीटिंग में भोपाल नहीं जा सका और इसके लिए उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव को अवगत करा दिया है। त्रिपाठी ने कहा कि वे हमेशा से बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ रहेंगे। इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही किसी ने इसके बारे में उनसे बात की है। 8 मार्च 2020 को मेरी माता जी का निधन हो जाने के कारण आज 10 मार्च की मीटिंग पर मैं भोपाल नहीं जा सका। इस संबंध में मैं CLP लीडर माननीय गोपाल भार्गव जी को पत्र भी लिखकर सूचित किया हूँ कि मैं इस कारण से नहीं आ सकता। और जहाँ तक मेरे त्याग पत्र का मामला है तो न मैं कोई त्याग पत्र दिया, न मुझसे कोई संबंध में बात किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा। समय है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक
चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। ग्वालियर कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा और मोहन सिंह राठौर ने भी सिंधिया के साथ जाने का ऐलान किया है। इससे जाहिर है कांग्रेस को फिलहाल विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने सिंधिया के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा, हम सब सिंधिया जी के साथ हैं, जो भी फैसला सिंधिया जी लेंगे उनका साथ देंगे। ऐसा ही कुछ कहना कांग्रेस के बड़े नेता मोहन सिंह राठौर का भी है, ये सब हर हाल में सिंधिया का साथ देंगे। हम सब लोग सिंधिया जी के साथ हैं और उनका जो निर्णय हुआ वो हमें मान्य हुआ। आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद से तथा कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा देता हूं। श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया हमारे नेता और हमारे परिवार के मुखिया हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने जो उनके साथ व्यवहार किया है, उनकी उपेक्षा की है, उससे हम सभी कांग्रेस जन दुखी हैं और इसके बाद हम कांग्रेस की आज इस्तीफा देते हैं और मेरे साथ मेरे कांग्रेस के पूरी कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष, महामंत्री, संगठन, ब्लॉक, मंडल और सेक्टर सभी जो अध्यक्ष हैं उसमें से अधिकांश पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है जो प्रेस को पहुंच रहा है। महिलाओं पर अपराध का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में सिंगरौली पुलिस ने महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को कैसे रोका जाए, इसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सिंगरौली पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन चंचल शेखर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सिंगरौली में लैंगिक अपराध की विवेचना पर एक दिन की कार्यशाला रखी, जिसमे महिलाओं व बच्चियों पर हो रहे अपराधों को कैसे रोका जाए इस पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में बाल कल्याण समिति से आयशा गुप्ता व समिति के सदस्य पर जिले के पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी, एडिशनल एसपी प्रदीप शिंदे, जिले के तीनों एसडीओपी और समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन के सभी सदस्य शामिल हुए। आईजी रीवा जोन चंचल शेखर ने कार्यशाला में आए हुए सभी सदस्यों को लैंगिक अपराध कैसे रोका जाए जानकारी दी व पुलिस अधिकारियों को भी बताया कि किस तरह इनसे संबंधित अपराधों की विवेचना करनी चाहिए। पखांजूर में एक नाबालिग बालिका का अपहरण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सुघर समाधान योजना के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सुघर समाधान योजना की शुरुआत की गई। सुघर समाधान योजना के तहत महिला संबंधी अपराधों एवं समस्याओं का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी योजना के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक नाबालिग 13 वर्षीय बालिका को अपहरण करने वालों के चंगुल से बचाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अपहृत बालिका को बाल हितैषी कांकेर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से बरामद किया गया है। रीवा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के पास से 2 32 बोर की लोडेड रिवॉल्वर बरामद की गई। रीवा में होली पर नाइट गश्त में वाहन चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। पुराने बस स्टैंड के पास संदिग्ध सफेद कलर की सफारी गाड़ी नंबर MP09CM2347 की चेकिंग में चालक और उसके साथी दोनों के पास से 2 लोड पॉइंट, 32 रिवॉल्वर और 2,83,000 रुपए नगद मिले हैं। इस गाड़ी का ड्राइवर अनिल सिंह बघेल 38 साल का है और रमाकांत पटेल उम्र 28 साल है। वहीं दूसरी जगह पर शिल्पी प्लाजा के पास भी आरोपी संदीप साकेत, जिसकी उम्र 18 साल है, वो भी देसी कट्टे के साथ स्कूटी पर मिला। MP 17HD
61188 उस स्कूटी का नंबर है, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह सफलता नाइट गश्त के प्रभारी डीएसपी नवीन दुबे, एसआई यूबी सिंह, एसआई अभिषेक, आरक्षक चंदर, पीसीआर सिविल लाइन, एफआरबी सिविल लाइन की मुस्तैदी से मिली है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा एसपी आबिद खान ने किया है। कल रात में जो हमारी चेकिंग लगी हुई थी उसमें हम लोगों ने दो लड़कों को पकड़ा है और इसमें ये हमारे पास वेपन्स दो इनसे मिले हैं, पिस्टल जो आप देख सकते हैं। इसमें से एक ये रमाकांत पटेल करके है, 28 साल का लड़का है, समान में रहता है, और एक अनिल सिंह बघेल है, ये 38 साल का, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र। उसके बाद से आज सुबह से भी हम लोग लगातार चेकिंग हर तरफ लगाए हुए हैं और उद्देश्य उसके पीछे यही है कि कोई भी इस तरह की घटना ना हो जिसमें कि किसी तरह की जनहानि हो या किसी को क्षति पहुंचे। और आप लोग ने कई सारे मीडिया उसमें देखा भी होगा, ग्रुप्स में चल रहा है, एक संदीप साकेत करके 17 साल का ये 18 साल का लड़का है जिसको कि कोतवाली थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसके भी स्कूटी में से एक देसी कट्टा चेकिंग के दौरान पकड़ा गया है। सिंगरौली में दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी होली मनाने घर आया है, जिसके बाद पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नए पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी के निर्देश पर चितरंगी थाना क्षेत्र के प्रभारी ने एक मामले में दुराचार के आरोपी रज्जू बसोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी को चितरंगी क्षेत्र के कुटेनिया गांव जाते समय गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दरअसल एक महीने पहले आरोपी रज्जू बसोर गांव की एक लड़की को बहला फुसला कर बैठन ले गया, जहां उसने लड़की के साथ दुराचार किया और बनारस भाग गया। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी होली पर घर आया है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। ये एक रज्जू बसोर ग्राम पुरनिया सेकंड सुधा का रहने वाला है, जो एक महीना पहले एक लड़की के साथ उसको ले जाके बैठन में बलात्कार किया था और बैठन से ही छोड़ के भाग गया था, जिस पर थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक 42/2020 धारा 376-365 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया था। आरोपी घटना दिनांक से फरार था और सूचना मिला था कि बनारस में रह के काम करता था। कल सूचना मिला कि आरोपी होली में घर आ रहा है और उसके पास अवैध हथियार भी है। सूचना की तस्दीक करने हेतु वहाँ टीम तत्काल रवाना किया गया, जिसको आरोपी को कस्बा से पकड़ कर तलाशी लिया गया था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक लोहे का देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस मिला है। सिवनी जिले की तहसील लखनादौन की दो प्रतिभावान बहनों ने स्वच्छता के लिए इंदौर में बनाए गए चित्र में भाग लिया। देश भर में स्वच्छता का संदेश देने के लिए वह चित्र बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस चित्र में 100 कलाकारों ने 6000 पुराने जींस के कपड़ों से बनाया है, जिसे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। स्वच्छता का संदेश देने के लिए 10,000 वर्ग फीट में इंदौर राजवाड़ा का चित्र बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस चित्र को बनाने के लिए 100 कलाकार मौजूद थे, जिसमें मध्य प्रदेश से सिवनी की दो बहनों रोशनी और वैष्णवी ने इसमें हिस्सा लेकर जिले का नाम रोशन किया। इस दौरान कलाकारों में शामिल रोशनी ने बताया कि देश के 100 बड़े कलाकारों में हमें भी अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिला और हमने विश्व के सबसे बड़े चित्रकार साहिल लहरी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में स्वच्छता पर्यावरण का संदेश देने के लिए राजवाड़ा का चित्र बनाया, जो अपने आप में अनूठा है। हम मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन तहसील के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट साहिल लहरी जी का दिल से धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने हमें इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का मौका दिया। साहिल सर ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को काफ़ी पहले से प्लान किया था। इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाने के लिए साहिल सर ने 100 आर्टिस्टों की टीम तैयार की, जिसमें हमने 6000 वेस्ट जीन्स का यूज करके इंदौर के मशहूर राजवाड़े की कलाकृति तैयार की। चित्र 10,000 वर्ग फीट में बनाया गया है। चित्र को 100 कलाकारों द्वारा 6000 पुराने जीन्स कपड़ों से निर्मित किया गया है। रोशनी ने बताया कि इसे बनाने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था, परंतु हम कलाकारों ने महज 5 घंटे के समय में पूरा कर लिया, जो 1 मार्च की शाम को विश्व रिकॉर्ड बना और जिसे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड WBR में दर्ज किया गया। विश्व रिकॉर्ड के अंतर्गत कचरे को रिसाइकल, रीयूज और रिफ्यूज यानी RRR के तहत पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।